नून लीग, पीपी और एमक्यूएम ने सुन्नी इतिहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तें लेने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में आजाद उम्मीदवारों के सुन्नी इतिहाद काउंसिल में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अली जफर बैरिस्टर गौहर पेश हुए और कहा कि हमने मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट की दरख्वास्त दी है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, एमक्यूएम की तरफ से फरोग नसीम पेश हुए और मौकफ इख्तियार किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों को चैलेंज किया है। सवाल यह है कि बतौर जमात क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का इस्तेहकाक है या नहीं है? उनकी मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी नून लीग को देने की दरख्वास्त की है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आखिरी तारीख तक इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त ही जमा नहीं कराई। जब फहरिस्त ही जमा नहीं कराई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? ऐसी पार्टी मखसूस नशिस्तों का दावा कर रही है जो एक भी जनरल नशिस्त नहीं जीती। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए कि हमारे 46 आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने 81 आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल किया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ आने वाली तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।